नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लास विद गौतम सर में आपका स्वागत करते हैं। तो आज आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं। इस टॉपिक का नाम है आम यानी मैंगो। तो मैंगो से संबंधित है देखिए जितना क्वेश्चन आपका देखिए पूछेगा या पूछे जाने की संभावना है ना, या पूछा है, वो सारे क्वेश्चनों का संग्रह है। प्रीवियस ईयर में अभी तक जो पूछा है उस सबका कलेक्शन है। तो चलिए देखिए देखते हैं। देखिए आम को अंग्रेजी में मैंगो कहते हैं, ठीक है, और इसकी विशेषताएं, ये भारत का राष्ट्रीय फल है, फलों का राजा है। इसे डूप फल कहते हैं। डूप फल वैसे फल को कहते हैं जिसके बाहर में छिलका हो, बीच में गुदेदार भाग हो और अंत में कठोर गुठली हो, वैसे फल को डूप फल कहते हैं। जैसे लीची हो गया, आम हो गया, ये सभी डूप फल के अंतर्गत आते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका। इसकी उत्पत्ति है देखिए बर्मा में हुआ है, इंडो बर्मा, ठीक है। इसमें कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं? तो इसमें दो तरह के विटामिन पाए जाते हैं, एक विटामिन सी पाया जाता है और दूसरा विटामिन ए पाया जाता है। कच्चे आमों में विटामिन सी पाया जाता है और पक्के आमों में विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। फिर आप देखेंगे उत्पादन में प्रथम स्थान, तो उत्पादन में प्रथम स्थान देखेंगे, विश्व में सबसे ज्यादा आम का उत्पादन भारत में होता है। टोटल जितना वर्ल्ड में होता है ना, उसका 50% भारत में ही आम होता है। फिर देखेंगे भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो भारत में सबसे ज्यादा यूपी में होता है, ठीक है। फिर देखेंगे खाने वाला भाग, आम के खाने वाला भाग को क्या कहते हैं, तो आम के खाने वाला भाग को मध्य भाग या मिजोकार्प कहते हैं, अंग्रेजी में मिजोकार्प कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे फल उत्पादन के अंतर्गत सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, यानी जितना फल का उत्पादन होता है उसमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में आम का उत्पादन होता है, अगर कुल उत्पादन कहेगा तो केला होगा, है ना। कुल फल में सबसे ज्यादा किसका उत्पादन, तो केला, ठीक है। और आपका जो कि फल उत्पादन में आपका ज्यादा क्षेत्रफल में ज्यादा क्या होता है, तो आम होता है, है ना। आम में परागण कैसे होता है, तो फल मक्खी के द्वारा होता है। मुख्य कीट इसका क्या है, मैंगो हार्पर्स कहते हैं। और GI टैग प्राप्त आम, तो GI टैग प्राप्त आम एक जर्दालू आम है जो बिहार से है, बिहार के जर्दालू आम को GI टैग मिला हुआ है। और दूसरा GI टैग है आपका फाजिल आम है जो कि आपका जो कि ये बहरीन निर्यात किया गया। अभी ये करंट का क्वेश्चन है कि किस आम को अभी बहरीन देश यानी में निर्यात किया गया है, एक्सपोर्ट किया गया है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस्में, इसकी कौन कौन सी किस्में हैं? तो अल्फांसो आम सबसे अच्छा आम है और रत्नागिरी के महाराष्ट्र में होता है। फिर जर्दालू आम बिहार से GI टैग प्राप्त आम है, मालदा आम, सिपिया आम, ठीक है। फिर देखिएगा आम का है जबकि बौनी प्रजाति, जो सबसे बौना प्रजाति है ये सिंधु आम है। सबसे मीठी प्रजाति आम चौसा आम है। और बीज रहित आम तो सिंधु आम वैसे आम है जबकि ऐसे बना है अल्फांसो और रत्ना से मिल करके, ये संकर नस्ल है, अल्फांसो और रत्ना से मिल करके सिंधु बना है। शंकर किस्में देखिएगा आम्रपाली, तो आम्रपाली है दशहरी और नीलम से मिलकर बना है, दशहरी और नीलम से। मलिका जो बना है नीलम और दशहरी से मिलकर बना है। रत्ना नीलम और अल्फांसो से मिलकर बना है। सिंधु रत्ना और अल्फांसो से मिलकर बना है। फिर है जो कि साई सुगंधा तोतापुरी और केसर से मिलकर बना है। ऑफ सीजन वेराइटी, मतलब जो आम का सीजन नहीं है फिर भी जो आम मिलता है उसे ऑफ सीजन वेराइटी कहते हैं। ये है निरंजन और मधुलिका और निरंजन आम है जो कि ऑफ सीजन में मिलता है। आम से संबंधित बीमारी, तो आम से संबंधित बीमारी है झुमका रोग, है ना। ये झुमका रोग जो है कम तापमान में परागण के कारण होता है। और दूसरा है ब्लैक टिप जो होता है SO2 और जो कि CO के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, जो चिमनी ईंट भट्टे से जो धूल कर निकलते हैं उसके कारण ब्लैक टिप होता है। और इस पे कंट्रोल किया जाता है बोरेक्स का छिड़काव करके, ठीक है। तो ये रहा आपको आम से संबंधित फैक्ट। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कोई अच्छा टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।